हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एक सेल या कैपेसिटर को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि वेदर ये सही तरीके से ऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा। कैपेसिटर की आपको ये दो वायर्स दिख रही होंगी, इन दोनों वायर्स को प्लग के अंदर डाल के स्विच ऑन करके चार्ज करना है 5 to 7 seconds के लिए, लाइक दिस आप देख सकते हो। और 5 to 7 seconds के बाद आप इसको निकाल लोगे और इसको फ्लैश करवा दोगे। आपने देखा कि जो स्पार्क है वो बहुत ज्यादा था, तो इसलिए ये कैपेसिटर बिल्कुल ओके है, ये बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। मेरे पास एक और कैपेसिटर है, इसको भी मैं सेम तरीके से यहाँ पे चार्ज करने वाला हूँ। और ये अब इसको भी फ्लैश करवाएंगे हम लोग। और आपने देखा कि इसका स्पार्क एज कंपैरेटिवली फर्स्ट वन के बहुत ज्यादा था, तो उसका मतलब ये है कि सेकेंड वन वाला कैपेसिटर अच्छा वर्क करेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से क्विकली चेक कर सकते हो कि जो कैपेसिटर है आपके सीलिंग फैन का वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।